गुरु अर्जुन देव की जयंती पर रंग बिरंगी लाइटों से जगमग हुआ श्री हरमिंदर साहिब का दरबार। पवित्र सरोवर किनारे मिट्टी के जलते दीपक की बनाई गई श्रृंखला। सोन मंदिर के चारों तरफ की गई शानदार आतिशबाजी देख श्रद्धालु हुए मंत्रमुग्ध। श्रद्धालु भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने की अरदास। हरमिंदर साहिब के दरबार में मिट्टी का माथा। श्रद्धालु ने बच्चों के साथ दिए जलाकर मनाई गुरु अर्जुन देव की जयंती। चौदह अप्रैल को मनाया जाएगा बैसाखी का पावन त्योहार। कृषि पर्व के रूप में सिख समुदाय के लोग मनाते हैं जश्न। फसल काटकर नए साल का करते हैं स्वागत। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने धौलाकुआं दिल्ली हवाई अड्डा सड़क सौंदर्यकरण परियोजना का किया उद्घाटन। दिल्ली के कायाकल्प के लिए 1500 करोड़ की दी सौगात। राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात। सूबे की पहली वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली और अजमेर के बीच सफर होगा आसान। हफ्ते में 6 दिन चलेगी ये ट्रेन। उद्घाटन समारोह में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी रहे मौजूद। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी की शिरकत। अजमेर से दिल्ली कैंट का सफर महज 5 घंटे 15 मिनट में होगा तय। कल से आम लोग इस ट्रेन में कर सकेंगे सफर। आधुनिक सुविधाओं से लैस है वंदे भारत ट्रेन। अजमेर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस। सेल्फी लेते नजर आए यात्री। ट्रेन के पायलट ने कहा कि प्लेन जैसी फीलिंग है। पैसेंजर्स के लिए काफी है फैसिलिटीज। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान की धरती को आज पहली वंदे भारत ट्रेन मिल रही है। ये राजस्थान के पर्यटन में बहुत सहायक होगी। पूर्व दिल्ली आना जाना और आसान हो जाएगा। ये ट्रेन राजस्थान की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बहुत मदद करेगी। पीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए अब पुष्कर और अजमेर शरीफ आना होगा और भी आसान। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर शरीफ, आस्था के ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों तक पहुंचने में भी अब श्रद्धालुओं को ज्यादा आसानी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 2 महीनों में यह छठी वंदे भारत ट्रेन है जिसे हरी झंडी दिखाने का मुझे सौभाग्य मिला है। पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत पर कसा तंज। कहा राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के बावजूद विकास के काम के लिए निकाला समय। गहलोत के दो दो हाथ में है लड्डू। लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का लालू पर बड़ा हमला। कहा पहले जमीन के बदले मिलती थी नौकरी। 2014 से पहले के रेल मंत्रियों पर पीएम के करप्शन वाले बयान पर संग्राम। बोले सीएम गहलोत मोदी का भाषण चुनावों के मद्देनजर दिया गया है। सीएम गहलोत का प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार। कहा आपकी ऐसी टिप्पणियां देशवासियों और प्रदेशवासियों के गले नहीं उतरेंगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर दिया जवाब। कहा यह कहना उचित नहीं होगा कि रेलवे का विकास 2014 के बाद हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर आरजेडी का भी पलटवार। बोले शिवरंग तिवारी बीजेपी ने खुद भ्रष्टाचारियों को लगाया गले। नीतीश और लालू के साथ आने से घबराई बीजेपी। मोदी उपनाम के लिए विवादित बयान को लेकर राहुल गांधी पर शिकंजा। पटना के एमपीएमएलए कोर्ट ने 25 अप्रैल को पेश होने का भेजा समन। बीजेपी सांसद सुशील मोदी का राहुल गांधी पर हमला। ट्वीट में लिखा उनके खिलाफ जारी किया जाए गैर जमानती वारंट। मोदी सरकार पर बरसे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी। कहा कि आपको पिछले 4 साल में मिले अच्छे दिन हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देने से होगी हिंसा। पश्चिम बंगाल के 12-7 में टीएमसी छात्र संघ ने राज्यपाल के खिलाफ किया प्रदर्शन। कई केंद्र की नई शिक्षा नीति का जमकर विरोध किया। विपक्षी मोर्चाबंदी में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। डिप्टी सीएम तेजस्वी के साथ खड़गे और राहुल गांधी से की मुलाकात। बोले साथ आएंगे कई दल लेकिन पीएम पद पर रहे खामोश। मिशन 2024 के लिए हुई अहम बैठक में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने लिया हिस्सा। राहुल गांधी बोले मीटिंग के
में लिए गए कई ऐतिहासिक फैसले। विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने पर बोले राहुल गांधी, कहा जो विपक्षी पार्टियां होंगी हमारे साथ हम उन्हें लेकर चलेंगे साथ, लोकतंत्र पर हो रहे आक्रमण के खिलाफ खड़े होंगे साथ। खड़गे से हुई मुलाकात के बाद बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कहा अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करने का है प्रयास तय हो चुका है, आगे काम करने का साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत से मुद्दे पर हुई है चर्चा, हमने तय किया सभी पार्टियों को एकजुट करके लड़ेंगे आगे के चुनाव। गुरुवार को 71,000 युवाओं को ऑफर लेटर बांटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र ने डेढ़ साल में 10.5 लाख युवाओं को नौकरी देने का रखा है लक्ष्य। जम्मू कश्मीर के हालात पर गुरुवार को गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग, गृहमंत्री अमित शाह घाटी में मौजूद, हालातों की करेंगे समीक्षा बैठक, एलजी मनोज सिन्हा गृह सचिव, डीजीपी रहेंगे मौजूद। विपक्ष को धार देने की कवायद, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार से चर्चा के बाद बोले सीएम केजरीवाल, हम विपक्ष को जोड़ने की इस पहल के साथ हैं, केंद्र के खिलाफ हम सबको मिलकर रहना होगा। राहुल गांधी मानहानि केस में गुरुवार को सूरत सेशन कोर्ट में सुनवाई, बीजेपी विधायक ने मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में राहुल के खिलाफ दी थी अर्जी। शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, अब 18 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई, गुस्से में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर पर किया प्रदर्शन। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद आपको मनीष सिसोदिया की आई याद, टांगे पोस्टर बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर आपका विरोध प्रदर्शन। आप नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, आप मुख्यालय के सामने बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी केजरीवाल सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। दलित पुलिस और आप समर्थकों के बीच हुई धक्का मुक्की, बीजेपी के खिलाफ आप कार्यकर्ता कर रहे थे प्रदर्शन। आप सांसद संजय सिंह का ईडी पर बड़ा आरोप, का ईडी ने थर्ड डिग्री टॉर्चर देकर लोगों से जबरन कराए साइन, चंदन रेड्डी को इतना मारा कि कान के पर्दे फट गए। शुक्रवार को असम के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, गुवाहाटी में 3 मेडिकल कॉलेज और एम्स का करेंगे उद्घाटन। असम में 14,300 करोड़ की योजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी, गुवाहाटी हाईकोर्ट की प्लैटिनम जुबली समारोह में भी होंगे शामिल। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार, साथ में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी रहे मौजूद। उद्धव ठाकरे से मुलाकात पर शरद पवार ने दिया बयान, कहा साथ काम करने से होता मतभेद, लेकिन महाविकास अघाड़ी साथ करती रहेगी काम। कोलकाता में इफ्तार पार्टी में शामिल हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कोलकाता नगर निगम ने किया था इसका आयोजन, मंत्री फरहाद हकीम भी मौजूद रहे।